तो मिस्टर सेफ्रॉन वाइटी कौन है ये? 2018 के अंदर वीडियो बनाई थी जो कि 5 साल पहले की बात है। वीडियो थी हाउ टू स्किप GTA San Andreas ऑल मिशंस इन एंड्रॉइड। वो वीडियो वायरल गई थी 2020 के अंदर। सिमिलरली हाउ टू स्किप GTA Vice City ऑल मिशंस इन एंड्रॉइड, ये वीडियो गई थी वायरल अगेन 5 years बैक। सिमिलरली ऐसी बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड करी है जो कि पास्ट में वायरल गई थी। इतनी वीडियोस वायरल जाने के बाद में मेरे चैनल पर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है, जबकि चैनल डिजर्व करता है ज्यादा सब्सक्राइबर के, क्योंकि इस चैनल ने जो वो वैल्यू प्रोवाइड करी है यूजर्स को वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा, मैं ये लिटरली कह सकता हूँ, क्योंकि जो हाउ टू स्किप GTA San Andreas ऑल मिशन वाली वीडियो में जितने व्यूज है जरूरी नहीं है उतने डाउनलोड्स भी आते हैं, बट मुझे 7 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स भी मिले अपने मीडिया फायर लिंक के अंदर, जो कि मेरे लिए एक्चुअल में बहुत बड़ी बात थी। और 7 लाख नंबर्स बहुत छोटी बात नहीं होती है, इवन बहुत बड़ी बात होती है। और देखो कुछ यूट्यूबर्स के लिए नंबर मायने नहीं रखते हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी वीडियो वायरल जाती है, बट जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जो बिगनिंग से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद में वो रेगुलर मेहनत करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, और उनमें से एक वीडियो जब वायरल जाती है और उनमें लाखों में व्यूज होते हैं, तो वो वीडियो हमारे चैनल की स्पेशल वीडियो होती है, तो उस चीज में नंबर मायने रखते हैं, फर्क पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, मैंने बीच में बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने अपना चैनल पे वर्क करना छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। आई थिंक मैं सेल्फिश हो गया था ज्यादा बीच में, और मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, और उस वजह से मेरा चैनल एक टाइम पे डेथ हो गया था पूरा। बट नाउ गाइज, मैं अभी कुछ महीनों से एक्टिव हो गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को जहाँ पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से इसको शुरुआत करूँगा इस चैनल की, और इस चैनल को मैं डेड चैनल से एक्टिव चैनल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ अब से। और अब मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो भी मेरे कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो रहेंगे वो भी चेंज होने वाले, जो मैं कॉन्टेंट अभी डाल रहा हूँ। मे बी ये कॉन्टेंट अभी अभी आ रहे हो, लेकिन आगे ये कॉन्टेंट्स को मैं चेंज करने वाला हूँ, मैं कॉन्टेंट को स्विच करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि मुझे लगता है कि GTA San Andreas पे हमेशा स्विच रहना इज नॉट गुड थिंग फॉर मी। आई नो GTA San Andreas आप कह सकते हो कि मेरे चैनल का मेन गेम है, जिस पे ज़्यादा व्यूज आते हैं और जिनके ऊपर मैं वीडियोस भी अपलोड करता हूँ रोज, और जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। लास्टली थैंक यू सो मच गाइज फॉर कंप्लीटिंग 20,000 सब्सक्राइबर्स इन, इट मीन्स अ लॉट। लाइक मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था हम इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे, और अब मैं फील कर सकता हूँ कि मैंने जो भी मेहनत करी है पास्ट में वो सबसे ज़्यादा रंग ला रही है। ऑल दो गाइज ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा, नंबर कुछ मायने नहीं रखते हैं, मैं लिटरली मैं आपको बताता हूँ, और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है आपका प्यार जो मुझे मिलता है हर वीडियो में, आप जितना मुझे, और सबसे बड़ा जो रोल होता है ऑडियंस का होता है सपोर्ट देना। आप लोगों का प्यार मुझे मोटिवेट करता है अपने न्यू वीडियोज़ के तरफ, और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा मोटिवेट करते रहे, हमेशा सपोर्ट करते रहे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करें और अपना कमेंट छोड़े हर वीडियो में, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और ताकि मुझे ये लगे कि मेरे साथ कोई है और मैं अकेला नहीं हूं इस जर्नी में, हम साथ में इस जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं, मिस्टर सेफ्रॉन वाइटी के चैनल को हम ऊपर ले जाने वाले हैं। सो फॉर दैट 20,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती है ऑडियंस, जितना प्यार आप लोग मुझे देते हो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइज, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, कमाल की वीडियो एडिट करने की, बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप वो वीडियोस आप लाइक करोगे। टिल देन बाय गाइस।